गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू क्लास वन? सो इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव रेड चैप्टर द थर्स्टी क्रो. द मीनिंग ऑफ थर्स्टी इज प्यासा. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रो? क्रो इज अ बर्ड, कौवा, प्यासा कौवा. सो इन दिस पैराग्राफ व्हाट वी हैव रेड, एक दिन बहुत गर्मी का दिन था, जो क्रो था एक फील्ड के ऐसे खेत के ऊपर से गुजर रहा था. उसको पानी की बहुत प्यास लग रही थी एंड इन सर्च ऑफ वाटर ही वॉज. वॉट ही वॉज डूइंग, वो क्या कर रहा था? ही वॉज फ्लाइंग हेयर एंड देयर. ओके, वो यहाँ वहाँ घूम रहा था और पानी को ढूंढ रहा था, एज यू कैन ऑल्सो सी. नाउ टूडे विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, पेज नंबर 20. What will I do if I don't get water to drink? Now crow, what crow is saying? Crow is saying, अगर मुझे पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? Now assume yourself, आप खुद भी सोचो, अगर आपको पानी नहीं मिलता तो आपको कैसा फील होता है? How will I survive? मैं कैसे जिंदा रहूँगा? He wondered, वो सोचने लग गया. Suddenly, अचानक से, he saw a water pot. उसे एक पानी का पॉट मीन्स घड़ा दिखा. वाटर पॉट मीन्स पानी का घड़ा दिखा. अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. देयर वॉज सम ड्रिंकिंग वाटर इनसाइड द पॉट. अब पॉट के अंदर क्या था? थोड़ा सा पानी पीने का था. द क्रो वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी. अभी क्या होता है, कभी हम लोग भी कहीं घूमने जाते हैं, हमारे पास पानी नहीं होता है, फिर हमें बहुत प्यास लगती है. अचानक से हमें जब कोई शॉप दिखती है और उस पर दिखता है बॉटल है, तो हमें कितनी हैप्पीनेस होती है, ओहो अब तो पानी मिला. सो वैसे ही क्रो को भी बहुत एक्सट्रीमली, यानी बहुत ज़्यादा खुशी हुई. बट पर द क्रोज बी कुड नॉट रीच द वॉटर. एज यू कैन सी द क्रो इज वेरी स्मॉल बर्ड और उसकी जो चोंच बीक होती है वो बहुत छोटी होती है. पॉट के अंदर नहीं जा सकती है. जा सकती है? नहीं जा सकती है. द कुड नॉट रीच द वॉटर एज द लेवल ऑफ द वॉटर वॉज क्वाइट लो. क्योंकि जो पानी पॉट में जो पानी था वो बहुत नीचे था, बहुत लो था, इसलिए उसकी चोंच अंदर नहीं जा सकती थी. The crow tried to push his head into the pot but failed. अभी क्या था, क्रो ने कोशिश तो पूरी की कि वो क्या करे, अपनी बीक को अंदर डाले जिससे कि वो पानी पी पाए, बट पानी बहुत ही नीचे था. सो आज मैम आपको इतना रीडिंग करने के लिए दे रही है. यू हैव टू रीड फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड रीड टिल फील्ड. ओके, आपको इतना रीडिंग करना है. देन विल कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट इन आर नेक्स्ट क्लास. कंटिन्यू रीडिंग, बिकॉज इफ यू विल नॉट रीड यू विल नॉट नो वॉट इज रिटन हेयर इन द बुक. अगर आप रीडिंग करना स्टार्ट नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि बुक में क्या लिखा है. सो स्टार्ट रीडिंग. ओके, गुड डे.